अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे कुशल शिकारी कौन है तो आपका जवाब जरूर ही शेर या चीता होगा। लेकिन अपने दिमाग में कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले फैक्ट जान लीजिए। दोस्तों, जंगल का कानून हमें बताता है कि 30% से ज्यादा शेर का शिकार सफल नहीं होता, जबकि चीते का हर दूसरा शिकार सफल हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि फिर ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी हंटिंग एबिलिटीज 90% तक एफिशिएंट होती है और ये बड़े से बड़े शिकार को गिराना जानती है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये वो जीव हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, साथ मिलकर जंगल की दुनिया में कोहराम मचा देते हैं। खूनी स्वभाव वाले ये बेरहम शिकारी कोई और नहीं बल्कि वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं शिकारी कुत्तों के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनकी मारक क्षमता आखिर कितने जानवरों को अपने लपेटे में ले लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब सहारा अफ्रीका का वो क्षेत्र है जहाँ वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दूसरे जानवरों को दहशत और डर में रखने वाले इन शिकारियों का यहाँ एक अलग ही रुतबा है। इनकी पहचान किसी एक अकेले सदस्य के तौर पर नहीं की जा सकती, क्योंकि समूह में शिकार करने वाले इन गुस्सैल और चालाक शिकारियों को हमेशा ग्रुप में स्पॉट किया जाता है। कैरिन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स वुल्व्स और जैकल्स के करीबी रिश्तेदार हैं। मीडियम आकार के ये जीव 30 से 50 किलोग्राम तक पाए जाते हैं और इनका कद 80 सेंटीमीटर तक सीमित होता है। ग्रे वुल्व्स के बाद कैनिन फैमिली के ये दूसरे सबसे बड़े सदस्य हैं। अफ्रीका के जंगलों में आपको एक अकेला वाइल्ड डॉग मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। इनके एक झुंड में कम से कम 30 सदस्य रहते हैं, जिनमें एक अल्फा मेल होता है और एक अल्फा फीमेल, जबकि बाकी सदस्य अधिकतर इनके बच्चे ही होते हैं। ग्रुप में अल्फा मेल और अल्फा फीमेल के पास ही ब्रीड करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्यों का काम बच्चों को पालने और देखरेख करने का होता है। ऐसा नहीं करने वाले सदस्य को ग्रुप छोड़कर जाने पर बाध्य किया जाता है। वो अपने लिए दूसरे ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं या दूसरे झुंड में जाकर मिल सकते हैं। इस कानून के हिसाब से ज्यादातर मादाएं और कुछ आधा दर्जन नर ही झुंड को छोड़ने का साहस दिखाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि सवाना में हमें वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स के एक या दो नहीं बल्कि कई झुंड देखने को मिलते हैं, जिनमें इनकी संख्या अच्छी खासी होती है। देखा जाए तो वाइल्ड डॉग्स का झुंड काफी कुछ वॉल्फ से मेल खाता है। वॉल्फ्स की तरह ही इनके झुंड में भी हायरार्की सिस्टम पाया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि सभी सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और किसी भी बात पर एक दूसरे से नहीं उलझते, फिर चाहे बात भोजन की ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इनमें काफी यूनिटी पाई जाती है और यही एकता शिकार करते हुए बेहद काम आती है। शिकार के लिए लड़ने के बजाय ये झुंड के सबसे बीमार सदस्य को पहले भोजन करने में विश्वास रखते हैं। ये जानते हैं कि इनको शिकार पाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जंगल इनका ही इलाका है और ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। वाइल्ड डॉग्स ज्यादातर दिन में शिकार करते हैं और अपने टारगेट को मारकर ही दम लेते हैं। एक अच्छी विजन, सुनने की क्षमता और स्मेल सेंस इन्हें शिकार करने में मास्टर बनाती है। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड जब एक अकेले जानवर पर टूटता होगा तो क्या मंजर होता होगा। सवाना में जब कभी इन्हें शिकार में सफलता हासिल होती है तो अफ्रीकन डॉग को दिन में 2 kg मीट खाने को मिलता है। हालांकि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक अकेले सदस्य को 8 kg मीट की दावत उड़ाने का अवसर मिला है। वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी भी दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार में दिलचस्पी नहीं दिखाते, बल्कि इन्हें खुद के लिए दूसरे बड़े शिकारियों से शिकार छीनने में बड़ा मजा आता है। जैसा कि इस क्लिप में ये लियोपोर्ड के मुंह से हिरन को छीनकर अपना शिकार बनाते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं इनके मुख्य शिकार की, तो वाइल्ड डॉग्स कई प्रजातियों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये एंटीलोप और ज़ेब्रा जैसे मध्यम से बड़े आकार के जीवों को अपना निशाना बनाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिकार करते हुए इनकी रफ्तार और फुर्ती कमाल की होती है। एक वाइल्ड अफ्रीकन डॉग दौड़ते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है और इसी रफ्तार को वो कई किलोमीटर तक मेंटेन करके भी रख सकता है। बात करें इनके हंटिंग स्ट्रेटेजी की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुत्ते बेहद ही चालाक होते हैं। जानवरों के हिसाब से भी ये अपने शिकार करने के तरकीब को बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये अपने भागने की ताकत से पहले शिकार को थकाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे चारों ओर से घेर कर असहाय कर देते हैं। इस दौरान अगर कोई कुत्ता थक जाता है तो इनके पास झुंड में हमेशा बैकअप प्लान जरूर होता है। एक बार शिकार इनके जाल में फंस जाए और पूरी तरह थक जाए, तब ये सभी मिलकर शिकार पर एक तरफा हमला करते हैं और फिर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि ये इस क्लिप में एंटीलोप के साथ भी कर रहे हैं। हालांकि
फिर ये दर्दनाक सीन है इसलिए मैं इसको ब्लर करके दिखा रहा हूँ, पर पूरा का पूरा झुंड ही उस पर टूट पड़ा है। ये व्यवहार हमें काफी खूनी और बेरहम लग सकता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे कारण है कि इनके दांत काफी छोटे होते हैं जो शिकार को केवल पकड़ने का काम करते हैं, उसको काट कर मारने की ताकत उनमें नहीं होती। ऐसे में शिकार को जिंदा ही अपना भोजन बनाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता। अब बात करते हैं कि कैसे ये ज़ेब्रा और बफेलो जैसे बड़े शिकार को अपने चंगुल में फंसाते हैं। बफेलो वर्सेस डॉग्स। एक बड़ा भैंसा वजन में लगभग 1 टन तक का हो सकता है और आराम से कभी कभी शेर के हमले को भी रोक सकता है। ऐसे जानवर से उलझना वाइल्ड डॉग्स के झुंड को भी काफी भारी पड़ सकता है, इसलिए ज्यादातर ये भैंस के बच्चों पर अपना जोर आजमाते हैं और उसे अपनी चपेट में लेने के लिए ये पहले भैंसों के झुंड को डराकर भगाने की कोशिश करते हैं और उनमें से सबसे कमजोर कड़ी को अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई दूसरा साथी उसकी मदद को ना आ सके। इस जाल में बेबी काफ आराम से फंस जाते हैं। ऐसे में अगर मदर बफेलो बेबी को बचाने की कोशिश भी करती है तो भी इनकी रफ्तार और बड़ी संख्या से उसका मुकाबला नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप उसे अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ता है और बच्चा बलि की भेंट चढ़ जाता है। इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां बेबी काफ अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहा है। विल्डबीस्ट वर्सेस डॉग्स। दूसरा भारी भरकम जानवर जो वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स के चलते दहशत में रहते हैं वो है विल्डबीस्ट। विल्डबीस्ट 300 से 400 किलोग्राम वाले बेहद ही बड़े जानवर होते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि कुत्तों के हमले से बचना भी इनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। भैंसों की तरह ही विल्डबीस्ट को मारने के लिए वाइल्ड अफ्रीकन डॉग झुंड के सबसे कमजोर शिकार को अलग करते हैं। इसके बाद ये अपने रफ्तार से उसे भगाकर थकाने की कोशिश करते हैं। भारी भरकम शरीर वाले ये जीव जल्दी थक जाते हैं और एक बार इनकी रफ्तार कम होते ही ये शिकारी कुत्तों की पकड़ में आ जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो काफी बेरहम मौत से कम नहीं है। बेदर्द मौत के इस सिलसिले से केवल बड़े जानवरों को ही नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि वॉर्थॉग जैसे जानवर भी इस हंटिंग स्किल का शिकार बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इन कुत्तों का झुंड 100 किलोग्राम वाले एक अकेले वॉर्थॉग को मारने पर तुला है। ऐसे क्लिप्स हमें बताती हैं कि कुत्तों के झुंड के खिलाफ खड़े होने का साहस शायद ही कोई हर्बीवोरस जानवर कर पाता हो। खैर, ज़ेब्रा जैसे कुछ जानवर इस केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि खतरा आने पर ये जीव अक्सर वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स के खिलाफ खड़े होने और उनसे बगावत करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे आकार के जानवर भी हैं जिन पर हमला करने की हिमाकत ये जंगली कुत्ते भी नहीं करते। उदाहरण के तौर पर बबून्स। बबून्स एनिमल किंगडम में अक्सर अपने ग्रुप में रहते हैं। ये काफी आक्रामक स्वभाव के जानवर हैं, जिनसे उलझने में वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स को मौत का खतरा होता है। उनकी एक पावरफुल बाइट इनके होश उड़ा सकती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही मामला हनी बैजर का भी है। हनी बैजर से उलझने की गुस्ताखी वाइल्ड डॉग्स को बहुत महंगी पड़ सकती है। हालांकि हनी बैजर इन कुत्तों से दूर ही रहता है। बदले में वाइल्ड डॉग्स भी हनी बैजर से भिड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि ये एक मजबूत शिकारी है जिसे मार पाना वाइल्ड डॉग्स के लिए काफी मुश्किल है। अब बात करते हैं जंगल की दुनिया में इसके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी की। वाइल्ड अफ्रीकन डॉग्स को जंगल में सही मायने में कोई परेशान करता है तो वो है हाइना और शेर। इन तीनों प्रजातियों में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। हालांकि जंगल में बादशाह शेर की होती है, लेकिन जब बात शिकार और भूख मिटाने की होती है तो शेर अक्सर वाइल्ड डॉग से खाना छीनने की फिराक में रहते हैं। कभी कभी वाइल्ड डॉग्स को अकेला पाकर ये उनका काम तमाम भी कर देते हैं। अपने सदस्य की मौत का बदला लेने के लिए वाइल्ड डॉग्स अक्सर शेर के बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे शेर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और इन दोनों समूह में कभी ना खत्म होने वाली जंग जारी रहती है। ऐसे कई मामले हमें मिलते हैं जहां ये कुत्ते सीधे शेर पर हमला करते हैं और उसे अपना शिकार बनाते हैं। अब बात करते हैं हाइनास की। इस बात में कोई शक नहीं है कि शेर के बाद जंगल में अगर अपना लोहा मनवाने वाले कोई जीव है तो वो है हाइनास। हाइनास वाइल्ड डॉग्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। 90 केजी के ये जीव जब कभी वाइल्ड डॉग से भिड़ते हैं तो जंग काफी भीषण होती है, लेकिन जीत हमेशा हाइनास के पाले में ही होती है। ये जीव हमेशा कुत्तों के बड़े झुंड को फॉलो करते हैं और उनका शिकार चुरा लेते हैं, और मौका मिलने पर ये वाइल्ड डॉग्स को भी अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन ऐसे भी मामले मिलते हैं जहां वाइल्ड डॉग्स के झुंड ने एक सिंगल हाइना की जान ले ली हो। ऐसे में पता चलता है कि जंगल में इनकी लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली है। खैर, वाइल्ड अफ्रीकन डॉग से बनाकर चलना और खुद को सेफ रखना किसी भी जीव के लिए टेढ़ी खीर है। ऐसे में शेर और हाइना जैसे ऐश परश शिकारियों का वाइल्ड डॉग से हाथ मिलाना कभी ना सच होने वाला सपने जैसा है। तो दोस्तों, आपकी नजर में जंगल का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।